वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं हम ब्रेक से। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। और आज क्या सीखेंगे? आज के सीखे में हम ये सीखेंगे, चाहे शूज हो, चाहे जो है वो डेनिम जैकेट्स हो, चाहे कोई ऐसी चीज़ हो जो पहनने वाली हो, आप उसको कस्टमाइज करा सकते हैं। और किन से करा सकते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं तलहा शाहिद, और जिनका पेज है फनकारी कस्टमाइज के नाम से। अस्सलाम वालेकुम तलहा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? I am good, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइए, शर्ट आपने पहनी है, ये भी कस्टमाइज है? आप कह सकती हैं, बट इट्स नॉट अ कस्टम। अच्छा, मुझे लग रहा था वो पेंटिंग के स्टाइल से लग रहा था। अच्छा, सो हम आपके यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि शूज से लेकर, चाहे आप कपड़ों की बात करें और चाहे आप बैग की बात करें, तो ये जो है वो कस्टमाइज किया जा सकता है। सो यहाँ पे मुझे ये बताइएगा कि कब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया? सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट किया। सो बेसिकली देयर वाज अ टाइम, आई एम बेसिकली अ मीडिया साइंस ग्रेजुएट, सही है? सो आई एम अ फिल्म मेकर बेसिकली। सो एज आई ग्रेजुएटेड, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ यू गाइज, आर वर यू नो गोइंग फॉर प्रोडक्शन हाउसेज एंड मीडिया एजेंसीज टू वर्क ऑन। ठीक है, उर्दू में हम बात करें। प्रोडक्शन हाउसेज जा रहे थे वो लोग और मीडिया एजेंसीज जा रहे थे अपना करियर परस्यू करने के लिए। लेकिन फिर एक टाइम मेरे सामने ना एक आर्ट रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आती है। सही। सो आई थॉट कि मैं सिर्फ मीडिया साइंसेस को क्यों फॉलो करूं और आर्ट को क्यों नहीं फॉलो करूं? ये क्योंकि वी गेट वन लाइफ, और एक लाइफ में आप कितने, यानी आप अपने ख्वाब किस तरह से वो करते हैं? योलो, यू ओनली लिव वंस। या बिल्कुल बिल्कुल, आपने ना मेरी बात समझ ली। सो आई थॉट कि जो है ना, आई शुड डू इट and I should go for the art based opportunity. ठीक है। So I worked for a different business at first and उधर मैंने अपने आप को sharpen up किया। ठीक है। But मैंने ये सोचा कि यार मैं कितने लोगों का ख्वाब, किसी और का ख्वाब पूरा कर रहा हूँ, right? So then I realized कि यार मेरा अपना ख्वाब कहाँ रह गया? आपका passion ये है art. So like I had this 10-year thing के जो ना, after 10 years I will be known if I work on my brand. Bilkul. So like, there अच्छा, you are. अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे शूज को, अगर हम जूम करें कि ये वो शूज हैं जो आपको एक खास ब्रांड के मिलते हैं, उसमें जो खाली यहाँ पे जगह होती है ना, उसमें एक खूबसूरत सा आर्ट हुआ हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखें। सो बेसिकली तलहा, ये ब्लैक था या? अब तो ये ब्लैक में भी अवेलेबल होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन नॉर्मली आई वॉज कस्टमाइजिंग देम फ्रॉम व्हाइट, प्लेन। अच्छा, ये व्हाइट से ब्लैक हुआ, फिर सोल पे भी आया, इस वाले ब्रांड के साइन पे भी आया, आगे भी आया। इसी तरह आप ये देख सकती हैं यहाँ पे भी, बिल्कुल यू नो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ ये हुआ हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये बैग इन्होंने अपने फ्रेंड के लिए बनाया है, और ये एक प्राडा का बैग है जो कि ऑफकोर्स प्लेन होगा, प्लेन व्हाइट था, बिल्कुल प्लेन था। असल में उनका खराब हो गया था और हुआ ये था कि बहुत ही येलोश बेज कलर नहीं हो जाता, वो हो गया था। सो उन्होंने मुझे भेजा एंड शी सेड कि जो ना आप कुछ आर्टिस्टिक कर दें इस पे। तो उनको मैंने सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू गेट, क्यों ना आप ये एक आर्ट बनवा लें, इट्स बहुत आर्टिस्टिक सी आय है। सो मैंने इसे कस्टमाइज कर दिया उनके लिए। अच्छा, ये उन सारे बैग्स के साथ हम आपसे करवा सकते हैं? वो तो चले आपकी फ्रेंड है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आता है, वो कहता है कि जी मेरा बैग है वो अगेन कलर फेड हो गया है, लग रहा है कि कहीं कहीं से निकला है, तो अब आप से कस्टमाइज कराया जा सकता है? A lot of the people, बहुत सारे लोग मुझे भेजते हैं on everyday basis, और होता ये है कि मैं जो हूँ उनको अपनी मर्जी का, like जो मुझे, क्योंकि बहुत से लोग मुझे creative freedom दे देते हैं, वो कहते हैं कि आपको जो सही लग रहा है आप वो बना। ठीक है, सही है। सो मैं उन्हें कुछ सजेशन देता हूँ, आपको ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, तो फिर उसमें से वो चूज कर लेते हैं कि भाई मुझे ये एग्जैक्टली आप कर रहे हैं, तो मैं इस तरह से। अच्छा, सजेशन में क्या, किस किस किस्म की चीजें होती हैं? अच्छा, द थिंग इज कि मैं लोगों से पूछता हूँ कि भाई आपको क्या पसंद है। ठीक है, आप जो है गेम फॉलो करते हैं, आप जो है जो फिल्म्स फॉलो करते हैं, कोई आपकी फेवरेट फिल्म है उसकी थीम का बना देंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहती हूँ आपको, देखिए जो डेनिम जैकेट, एक ही हम पहन के बोर हो जाते हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में सिर्फ और सिर्फ सर्दी के टाइम वो कपड़े बाहर निकलते हैं और फिर वो कपड़े वापस चले जाते हैं, तो एवरी सर्दी यू कैन हैव समथिंग डिफरेंट, मेक द वर्ल्ड गो आ। और ये पीछे इन्होंने इस तरह बनाया हुआ है। So, अच्छा, मुझे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बतानी है, और ये बेसिकली मैंने रिसेंटली मिरिंडा के लिए किया था। Oh, okay, I'm sorry if I'm using the name of it's the okay, brand. It's okay, it's okay. I'm sorry. ये बताएं कि इसमें अगर आप ये किसी कस्टमर के लिए करें तो क्या प्राइस होगी?
अगर मैं किसी कस्टमर के लिए कर रहा हूँ तो डिपेंड करता है कि उसके उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कितना पेचीदा काम है। अगर सेम है, फॉर इंस्टेंस ये डेनिम जैकेट कस्टमर ने आपको दी और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि पीछे कुछ बना दें, तो इसकी क्या प्राइस होगी? जी ये लाए करेगी अराउंड 10 to 15,000 बिकॉज पूरा हाथ का काम है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सो इट टेक्स टाइम। ये प्रिंट होता तो इट वुड बी अ लॉट मच लेसर। और धोया जा सकता है इसको? वॉशेबल है, परमानेंट है और वॉशेबल। ओह दैट्स अमेजिंग, वॉशेबल है। यूजुअली ऐसी चीजें जो है वॉशेबल नहीं होती। नॉट जस्ट दिस जैकेट और इवन द शूज, इवन ये जो शूज हैं ये भी वॉशेबल है, सारी चीजें वॉशेबल होती हैं। वाओ ये बड़ी अच्छी चीज है कि वॉशेबल हैं। और देखिए शर्ट के बैक पे आप इस तरह का कुछ बनवा सकते हैं, ना सिर्फ बैक पे बल्कि आगे भी जो है वो आपने कस्टमाइज इस तरह बनाया हुआ है। इफ यू हैव अ लुक ये भी आप इनसे बनवा सकते हैं। अच्छा एक और चीज बताइए तलहा कि क्या जरूरी है कि हम अपनी शर्ट या जैकेट आपको दें, या फिर आप वो भी अगर हमारे पास नहीं है और हम चाहते हैं कि भाई किसी नई आपको जो है ना प्रोवाइड कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। ये कौन सा वाला कार्टून है? ये दिस इज सोनिक हेजहॉग। ओके सो आई मेड दिस फॉर अ छोटे से एक बच्चे के लिए बनाया था मैंने और फिर जो है ना यानी उनको पसंद आया काफ़ी ज़्यादा। आई एम दिस कस्टमर, इन्होंने आज के शो के लिए खास इन्होंने मुझे वापस भेज दिया कि आप प्लीज़ इसको डिस्प्ले कीजिएगा तो मैं ये लेकर आ गया। अच्छा हुआ मैंने इसको पकड़ के आपको यहाँ पे दिखा दिया। और मैं दिखाना चाहती हूँ आपको यहाँ पर ये हुडी, इस हुडी पे यहाँ पे आपने किया। तो ये बहुत एक मशहूर प्लेयर है, बास्केटबॉल प्लेयर है माइकल जॉर्डन। तो Absolutely. ये एक इंटरनेशनल क्लाइंट है हमारे, तो उन्होंने हमसे मुझे ऑर्डर किया था। नॉट जस्ट दिस, मैं आपको एक और पीस दिखाना चाहता हूँ। दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए यहाँ पे। ये एक बहुत मशहूर प्लेयर है, टॉम ब्रेडी का नाम है इनका। ये अगर आप लोग NFL को फॉलो करते हैं तो लाइक आपको समझ में आ जाएगा। जबरदस्त। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि कितने टाइम पहले ऑर्डर आपको देना पड़ता है कोई भी चीज़ बनवाने के लिए? Nowadays बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बिकॉज 3 to 5 weeks में ले लेता हूँ आपसे। 3 to 5 weeks? Yes, क्या डेढ़ महीना ऑलमोस्ट? या क्योंकि जो ना टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, ये हाथ का काम है और ऑब्वियसली एक के बाद एक बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, तो उनको टाइमली डिलीवर करना और एक क्वेश्चन टाइम रखना, बिकॉज आपको तो हमारे मुल्क के हालात का पता है तो आगे पीछे हो जाता है टाइमिंग डिलीवरी के टाइम पे। अच्छा ये देखिए कि अगर ये शूज़ है ठीक है, आपने जब इसका काम बनाना स्टार्ट किया तो इस एक शू में आपको कितना टाइम लगा होगा कंसिडरिंग कि कोई और अभी ऑर्डर्स नहीं है, अभी सिर्फ इसका काम हो रहा है? अगर आप मेरी बात करें तो मैं तो ये काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो मुझे शायद 4 to 5 hours लगे टू प्रिपेयर वन पेयर ऑफ दीज शूज। ठीक है लेकिन अगर कोई न्यू भी है वो ऑलमोस्ट कुछ 2-3 days ले लेगा आराम से। ठीक है मुझे ये बताएं कि ये जो डूडल आपने किया हुआ है होता किस तरह से है कि पहले आप जो ब्रश उठाते हैं क्या वो पहले से ही आप बनाना स्टार्ट कर देते हैं या पेंसिल से या किसी चीज़ से मार्क करते हैं पहले? सो बेसिकली होता ये है कि मैं पहले स्केच करता हूँ, इसके ऊपर मैंने एक स्केच बना लिया। फर्स्टली मैं इसको प्रेप करूँगा, आई बी प्रेपिंग इट, और उससे उस बेसिकली स्प्रेड आता है हमारे पास जो थोड़ा सा सफाई करने के लिए, तो आप जितनी भी डस्ट है वो साफ कर लेंगे सबसे पहले। सेकेंडली आप इस पर स्केच बनाएंगे जो भी आपको पेंट करना है, जो स्केच से आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है कि आप क्या करते हैं। और जो रिसेंटली मैंने आपका देखा था जिसमें जो है वो डूडल इंक से जो आई हुई थी उन्होंने पूरा डूडल करके दिखाया था। या सो वो बेसिकली मेरे इस पूरे काम का एक हिस्सा है वो, जो कि मैं नहीं लेकर आया हूँ, जगह ही नहीं थी। सही है। सो इसके ऊपर आपने स्केच कर लिया, स्केच करने के बाद आपने एक के बाद एक पेंट की लेयर लगाते चले गए, भरते चले गए, और फाइनली, और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि यार आप जब भी कस्टमाइज करो आप ये जो ब्लैक लेयर्स हैं, ब्लैक आउटलाइंस हैं, ठीक है, ये आप आखिर में करो, क्योंकि आखिर में जब आप ये करते हो तो बहुत ही खूबसूरत चीज निकल गया। वेरी गुड टिप। फनकारी कस्टम से हमारे साथ तलहा मौजूद हैं और यहाँ पर जो बता रहे थे ये शूज को कस्टमाइज भी करते हैं। सो शूज का सोल तो हमने आपको दिखाया नहीं, तला यहाँ पे प्लीज दिखाइएगा और बताइएगा ये कैसे करती हैं। ये जो सोल है ये देखें, सारे शूज का मैं आपको यहाँ पे सोल दिखाती हूँ, ये जब हम चलेंगे तो खराब नहीं होगा? नहीं
और अगर अगर जैसे आपको मिट्टी तो लगेगी तो उसको किस तरह से साफ किया जाएगा फिर? सो बेसिकली आप इसको करते ये हैं कि आप ना इसको हमेशा रिंस्ड क्लॉथ आता है उससे आपके ऊपर इसके ऊपर सिर्फ डस्ट आएगी, ठीक है, सही है, जिससे आप इसको इजीली रिंस्ड क्लॉथ गर्म पानी में आपने कर लिया और रिंस्ड क्लॉथ से आपने इसको क्लियर कर दिया, ठीक है, बड़े आराम से करना पड़ेगा। और मैं इनको रिकमेंड करता हूँ फॉर स्पेशल ओकेजंस। अब हम जो कराची के अंदर जो है आपको पता है बहुत ज्यादा डर्ट और तमाम चीजें होती है, मड वर्ड कीचड़ वीचड़ सब लगेगा कराची में, और सबको जो है ना सब वाइट पहनने का भी शौक होता है, तो वो जब कोई वाइट बाय करता तो वो मुझे भेज देता है अपने शूज के, भाई आप इसको जन थोड़ा आर्टिस्टिक कर दें कि इस पे गंदगी भी लगी तो वो साफ हो जाएगी। हाँ, और इतनी फील नहीं होगी, लाइक पता भी नहीं होगी, पता नहीं चलेगी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आप क्या, मुझे बता रहे थे कि इनको किस इसको किस तरह से करते हैं, स्प्रे किस तरह करने का आप तरीका बता रहे थे। हाँ, असल बेसिकली मैं इस पर स्प्रे नहीं करता, बेसिकली हम इसको ना टेप डाउन कर देते हैं, इस पूरे अपर पार्ट को टेप डाउन करते हैं, उन तमाम पार्ट्स को टेप डाउन कर देते हैं जहाँ पर इसकी जो है हमें पेंट नहीं चाहिए, जहाँ पर सही है, सही है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको रखते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर हमें गंद करना होता है थोड़ा सा, और वहाँ पर हम लोग डिफरेंट कलर्स के जो ब्रश होता है, बेसिकली ब्रश ब्रशेस से मैं जो हूँ उस पर स्प्लैशेस लेके आता हूँ, सही है। सो इसको एक सर्टेन अंदाज में आपको जो है ना इस पर छिड़काव करना होता है। और कौन सा वाला ब्रश इस्तेमाल, मतलब कौन सा वाला पेंट इस्तेमाल करते हैं, कौन सी एक्रेलिक या ऑयल? एक्रेलिक पेंट यूज करते हैं बिकॉज ऑयल ड्राई होने में बहुत टाइम लगाता है, तो इसलिए हमें एक्रेलिक यूज करना पड़ता है। ऑल्दो इसके अलावा आप एक्रेलिक में भी टाइप्स आती हैं, हाँ। जिसके अंदर आप फ्लोरेसेंट भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आप नॉर्मल सॉलिड कलर्स भी, और जो है इसके अलावा जो है ना थोड़े से शाइनी कलर्स भी आते हैं वो भी आते जो भी कलर आपको पसंद हो। थैंक यू सो मच तला, बहुत बहुत शुक्रिया। आप फनकारी कस्टम्स के नाम से इनका पेज ज्वाइन कर सकते हैं, इनसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मोस्ट वेलकम। और